The question says we need to find the total number of solutions of sine of fractional part x is equal to cos of fractional part x. मतलब simply fraction tan of fractional part x equal to 1. इसके solution चाहिए. किस interval में 0 से लेकर के 2 pi including 0 and 2 pi. मतलब जो fractional part x है वो tan inverse 1 होना चाहिए. अब tan inverse 1 का मतलब होता है pi by 4. मतलब fractional part x की value किसके equal होनी चाहिए? Pi by 4 की equal होनी चाहिए. अब fractional part x का graph अपने को जानते हैं 0 से लेकर के 2 pi के अंदर में. अब 2 pi जो होता है, 2 pi होता है वो क्या होता है? 6 point something हो जाएगा. अब 6 point something है. अब ध्यान से देखो, बस यहाँ पर यही थोड़ा सा थॉट डालने की जरूरत है. ये वैल्यू ये 6 है, 6 से तो ग्राफ, क्योंकि 0 से लेकर के 1 दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0,1 ऑलवेज, ठीक है ना? तो 0 1 2 3 4 5 6 6 तक आ गया. अब ये पाई बाय 4 की लाइन आ रही है. अब सवाल ये उठता है कि 0 से 2 पाई के अंदर में अगर मैं आप सबके सामने दोबारा इतने पोर्शन का ग्राफ की बात करूं, और दिस रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट this region, let us say this is 0,1, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हम जानते हैं 6 पर भी ग्राफ ये होगा, ठीक है ना? ये तो बात सही है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात. अब सवाल ये उठता है कि 6 के बाद कहीं ना कहीं 2 पाई आएगा, 6 के बाद कहीं ना कहीं 2 पाई की वैल्यू आएगी. अब जो ये सॉल्यूशन आ रहा है इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि वो 2 पाई के बाद आ रहा है. इस ग्राफ में हम रिपीटिंग नजर आ रहा है, वो 2 पाई के बाद आ रहा है ना? अब ये कैसा कैसे पता चलेगा कि वो 2 पाई से पहले आएगा? क्योंकि बेसिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट x है उसकी वैल्यू ढूंढनी है अपने को. ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ही तो ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना? हमने देखना है. अब वो पाई बाय 4 आ रही है वैल्यू. अब ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं 2 पाई पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू देखो तो ये आ रही है ग्राफिकली. मैं ये बोल सकता हूँ वो ये आ रही है, ये पोर्शन है इतना, ठीक है? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 पाई यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.28 समथिंग, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, तो वैल्यू टेंटेटिवली वो 0.28 के आसपास आएगी, ठीक? और जो पाई बाय 4 आ रहा है, ध्यान से देखिए, 3.14 समथिंग डिवाइडेड बाय 4 will be 0.7 something. तो ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.28 समथिंग. इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 2 पाई पर यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ तक आ गई है. तो और जो पाई बाय 4 की वैल्यू वो 2 पाई के, मेरी बात समझ आ रही है? पाई बाय 4 यहाँ पर आएगा कॉरस्पॉन्डिंगली, कन्फर्म है? तभी तो वो लाइन उस ग्राफ को 2 पाई के बाद काटेगी. एज अ रिजल्ट कितने सॉल्यूशन हुए? ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6. तो देखिए ध्यान से, 7 भी ऑप्शन में अवेलेबल था, लेकिन ऑप्शन 6 ही आएगा आंसर, क्योंकि 7 आंसर नहीं होगा. रीजन बीइंग जो उस ग्राफ को, उस लाइन को वो काटेगा, वो 2 पाई के बाद काटेगा. क्लियर है? चलिए बढ़िया. अब हियर इज द क्वेश्चन. fx is equal to cot inverse of, दोनों क्वेश्चन में केवल एक फर्क है, यहाँ पर बेस 4/5 है, यहाँ पर बेस 5/4 है, केवल इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक? अब ध्यान से देखें दोस्तों, मैं इतना कहूँगा, अंदर में ये एक क्वाड्रेटिक है, अपने को इसका डोमेन और रेंज निकालना है. तो 5x² माइनस का 8x+4 इट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम. इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b² माइनस का 4ac नेगेटिव आ रहा है, और a की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक की 5 आ रही जो कि पॉजिटिव है, यानी अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला होगा तो मतलब दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव सच दैट x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. और लॉग के अंदर में जो इनपुट होता है, लॉग के अंदर में जो इनपुट है वो इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो इसका मतलब जो डोमेन आ गई फंक्शन की, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऊपर और नीचे जो दोनों फंक्शन है उनकी डोमेन क्या आ गई? ऑल रियल नंबर आ गई. यहाँ से क्लियर हो गई बात. अब हमें एक चीज पता है, जब ये एक अपवर्ड पैराबोला है तो इसका कोई ना कोई एक वर्टेक्स होगा. हम जानते हैं जो 5x² माइनस का 8x+ का 4 जो है उसकी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? माइनस का d/4a से लेकर के इन्फिनिटी. मैंने ऐसी बात क्यों करी? क्योंकि ध्यान से देखें दोस्तों,
log function के अंदर में ये quadratic available है, तो ये quadratic एक खुद variable है, तो हम इसकी range निकालेंगे तभी तो final function की range आ पाएगी। वो एक अलग matter है, वो एक अलग matter है। log का base, अगर log of x to the base a, दो बातें होंगी, या तो a की value 0 से 1 के बीच में होगी या a 1 से बड़ा होगा, दो ही बातें संभव है। तो अगर a 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, a 0 से 1 के बीच में है तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। अभी मैं ग्राफ बना करके आपको दिखा देता हूं। मैं ध्यान से देखें, a अगर 1 से 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा, और a अगर 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान से देखें, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और यहाँ पर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। तो बेसिकली ये तो इसकी रेंज हो गई, ठीक है ना, माइनस डी बाई फोर है, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ, अब d कितना आ रहा है, d की वैल्यू आ रही है माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4 इनटू a, यानी ये से लेकर के इनफिनिटी। अब दिस इज 4 इनटू 4, सो दिस वैल्यू कोरिस्पोंड्स टू 4 बाय 5 से लेकर के इनफिनिटी जा रही है ना। ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक की रेंज आ गई। अब लेट अस टॉक अबाउट द प्रायरली अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, ठीक है ना। लॉग के बेस में 4 बाय 5 आ रहा है। अब cot इनवर्स के अंदर में log के बेस में 4 बाय 5 आ रहा है, और 4 बाय 5 से लेकर के इन्फिनिटी अंदर जा रहा है, ठीक है ना। अब 4 बाय 5, अब हमें पता है log of a number to the base number तो वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, और बेस 4 बाय 5 है, बेस 4 बाय 5 जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, तो ये वाला ग्राफ फॉलो करेगा, है ना, ये वाला ग्राफ फॉलो करेगा। अब log इन्फिनिटी पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी, इसका मतलब cot इनवर्स के अंदर में माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1 वैल्यू जाएगी। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, log 4 by 5 टू द बेस 4 by 5 तो वैल्यू 1 जाएगी, और इंफिनिटी पर वैल्यू, ये इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी जा रहा है पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी को चली जाएगी। यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, cot इनवर्स के अंदर में log के अंदर में 5 by 4 दिया हुआ है, और ये वैल्यू 4 बाय 5 से लेकर के इन्फिनिटी जा रही है, हमें पता है ये नंबर, ये जो बेस है 1 से बड़ा है, तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा, ये ग्राफ फॉलो होगा, तो एज अ रिजल्ट cot इनवर्स ऑफ, अब हमें पता है log 4 बाय 5 टू द बेस 5 बाय 4 तो वैल्यू माइनस 1 होती है, तो ये माइनस 1 से लेकर के इन्फिनिटी जाएगी वैल्यू, है ना, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी वैल्यू जाएगी, और log नंबर टू द बेस रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर विल बी वैल्यू इज माइनस 1, ठीक है। अब एक बात ये आ गई और दूसरी बात ये आ गई, अब इससे क्या कंक्लूजन निकालना है और इससे क्या कंक्लूजन निकालना है, वही अपने को रेंज देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब cot इनवर्स का ग्राफ आपके सामने बनाऊंगा, cot इनवर्स का ग्राफ आपके सामने ये रहा, लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ, ठीक है। सो हम जानते हैं ये वाली जो वैल्यू होती है, दिस इज 0, पाई, ये लाइन, एंड दिस इज 0, पाई बाय 2, and this is 0, है ना, cot inverse के अंदर में। अब cot inverse में minus infinity से लेकर के 1 तक की बात हो रही है, 1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। अब minus infinity से, अब cot inverse का जो graph होता है वो एक decreasing function होता है, अब 1 पर value क्या आएगी, pi by 4 आएगी, है ना, उल्टा हो जाएगा, और minus infinity पर value क्या आएगी, pi आएगी, तो pi by 4 से लेकर के pi, ये answer होगा इस question का। मेरी बात समझ में आती है, close pi by 4 से लेकर के open pi, क्योंकि 1 पर closed है तो pi by 4 पर भी closed आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इतने की बात करूं माइनस वन से लेकर के इन्फिनिटी, अब माइनस वन कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है, अब माइनस वन से लेकर के इन्फिनिटी मतलब इधर की बात हो रही है, अब माइनस वन के कोरस्पॉन्डिंग कहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी वैल्यू। अब ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग ग्राफ हो रहा, तो इसका मतलब अब माइनस वन पर वैल्यू क्या आ रही है, 3π/4 आएगी, पाई माइनस का पाई बाय 4, और cot इनवर्स के अंदर में अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो वैल्यू 0 जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा, अब इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल है तो 0 पर ओपन इंटरवल हो जाएगा, और 3π/4 पर क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, 3π/4 पर क्लोज्ड इसलिए क्योंकि माइनस 1 पर भी क्लोज्ड है। सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक, चलिए बहुत ही बढ़िया।